हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको इटली में राधा कृष्ण जी का मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। सो गाइस, अब मैं घर से मंदिर की ओर निकल चुका हूँ और रास्ते में मेरे को यहाँ के खेत दिखाई दिए जो आप पीछे देख सकते हैं, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। आपने खेत तो देख ही लिया होगा यहाँ का, और अब मैं आपको कुछ यहाँ की अच्छी बातें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरे को इटली का ट्रैफिक मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे इंडिया में अपने होता है कि ट्रैफिक होते ही कंटिन्यू हॉर्न बजाना और स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पे हॉर्न बजाना मतलब किसी को गाली देना, और जो भी पैदल या फिर साइकिल वाला है तो उसको पहले निकालते हैं। अगर सामने से कोई बड़ी कार या ट्रक वगैरह भी आ रहा है और सामने से अगर साइकिल या फिर कोई पैदल जा रहा है तो उसको मतलब पहले आगे निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे पास तो गाड़ी है, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन पैदल वाले को टाइम लगेगा, इसलिए वो हमको पहले निकाल देते हैं। ये बात मेरे को यहाँ की काफ़ी अच्छी लगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि किसी कारणवश से आज मंदिर बंद है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही जितना हो सके उतना बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। लेकिन अभी एग्जाम आने वाले हैं कुछ ही दिनों बाद, तो अभी स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज, आपको मैं एक ऐसी एप्लीकेशन भी बताने वाला हूँ जिससे आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं घर बैठे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइज, आपको सबसे पहले अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है, और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपको डियोलिंगो सर्च करना है और इसे डाउनलोड करना है। मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये तो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया है इसलिए आपको ऐसा दिखा रहा, वरना आप सभी ऐसा कुछ दिखाने वाला है। इसे कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये पावर दी गई है, तो इसे एक बार में आप 5 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको वापस फिर से रीन्यू भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, आपको जो भी लैंग्वेज सीखनी है। और यहाँ पे आपको टास्क मिलेंगे, वो टास्क कंप्लीट करने हैं, आप जब चाहो तब ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है, जो फ्रेंड अपडेट है, आपने कितने स्ट्राइक कंप्लीट कर लिए हैं, कितने दिन से आप कंटिन्यू कर रहे हैं, वो सब बताने वाला है। तो अब मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आपके पास रिफिल ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है, तो उसमें आपको करना यह है कि जैसे यहाँ पे ये 5 दिखाई दे रहे हैं रिफिल आपको अभी,
और जब ये ख़त्म हो जाए तब आपके पास यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर आपको इसे फुल करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ये दिया हुआ प्लस वन हार्ट प्रैक्टिस, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे ये आ जाएगा इंटरफेस कुछ ऐसा। Io mangio il formaggio fritto. तो आप देखिए मतलब कुछ इस तरह से आप एक हर्ट जीत सकते हैं। आपको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसे करके अगर आप 5 बार खेलोगे तो 5 बार आप हर्ट जीत जाओगे। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसे यूज करते हैं। देखिए Io sono la ragazza. L'uomo. 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 La donna. अगर आपको कोई मीनिंग समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करके कुछ देख भी सकते हैं ऐसे। Una ragazza. Un ragazzo. Sono una ragazza. और इस तरह से आपका ये कंप्लीट होने के बाद में आप के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। और उस पर आगे कंटिन्यू करने के बाद में कुछ ऐसा ऐड आएगा जो 2-4 सेकंड बाद में आप स्किप कर सकते हैं। जैसे जो भी अब यूज कर रहे हैं ये एप्लीकेशन, अभी जो इटालियन लैंग्वेज सीख रहे हो उनमें से मेरे कितना नंबर पे हूँ, तो आपके ये नंबर भी आ सकते हैं। आप अगर ज़्यादा खेलोगे, जितना ज़्यादा यूज करोगे इसको उतना ज़्यादा आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय।